और हरियाणा में बीजेपी की जीत के साथ ही सभी एग्जिट पोल फेल हो गए। जी हां, हरियाणा में बीजेपी ने जो हैट्रिक लगाई है जीत की, जिस पर हरियाणा एनआरआई सेल के प्रदेश प्रवक्ता प्रणव चोपड़ा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना पहले से ही तय था, क्योंकि लोगों ने बीजेपी सरकार का काम देखा है, विकास कार्य देखे हैं और जितनी नीतियां हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने लोगों के हित के लिए बनाई है, ऐसी नीति आज तक नहीं बनी। विकास की बात करें तो पूरे देश में अगर विकास हुआ है तो सबसे ज्यादा विकास हरियाणा में हुआ है। प्रणव चोपड़ा ने आगे बताया कि जहां तक एग्जिट पोल की बात है, पहले भी कहा था कि चुनाव के तुरंत बाद आए सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और आज लोगों ने साबित कर दिया है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो लोगों के हितों के लिए है और जनता ने बीजेपी के कार्यों और नीतियों पर मुहर लगा दी है। बीजेपी की जीत तो निश्चित थी, पहले भी जैसे कि मैंने कई रिपोर्टर्स को और पहले कई पुराने अपने इंटरव्यूज में कहा था कि बीजेपी अपनी सरकार तीसरी बार बनाएगी, जो आज आप देख रहे हैं बीजेपी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही है। सर देखिए, बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास पे बिलीव करती है, एक सेवा जैसी पार्टी है। जैसे कि मैं कहना चाहूंगा, सेवा ही संगठन है। हमारा एक जो संगठन है वो किसी प्रकार से सेवा में पीछे नहीं हटता। और आप देखें, जितनी भी योजनाएं आती है और जितना भी कार्य होता है उसके अंदर बीजेपी के लीडर्स कोई कमी नहीं छोड़ते किसी कार्य में को करने में। हर एक पॉलिसी हर वर्ग के लिए बनाई गई है। बात करते हैं आप अगर एमएसएमई यूनिट्स की, एमएसएमई यूनिट्स यहाँ ऐप बढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स का रेवेन्यू बढ़ा है और साथ में ही किसानों के लिए नई नई योजनाएं आई जिससे किसानों को बहुत लाभ मिला।